अगर मुझे दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जैसे मुझे यहाँ दे रखा है वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है 3i+5j-4k, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है मेरे को -i+6j+8k। सो अभी मुझे फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सबसे मेन चीज है, हमें सॉल्व करना आना चाहिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो आना चाहिए। सो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने से पहले मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी निकालना पड़ेगा, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा बेसिकली। सो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले डिटरमिनेंट लिखेंगे हम। डिटरमिनेंट पर जो सबसे पहली रो होगी उसमें लिखूंगा मैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। उसके बाद जिस ऑर्डर में मुझे दे रखा है, जैसे मुझे पूछा गया है अभी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, तो उसी ऑर्डर में मैं रोज को लिखूंगा। जैसे सबसे पहले रो में आ जाएगा आई क्रॉस आई जे के, और दूसरी रो में सबसे पहले आएगा सबसे पहले जो कोफिशियंट आएंगे वो आएंगे वेक्टर ए के, उसके बाद आएंगे वेक्टर बी के, ठीक है। तो आई के नीचे आई का कोफिशियंट, जे के नीचे जे का कोफिशियंट, के नीचे के का कोफिशियंट। सिमिलरली बी वाले वेक्टर से आई के नीचे आई का कोफिशियंट, जे के नीचे जे का कोफिशियंट, और के नीचे के का कोफिशियंट, ठीक है। अभी मेरे पास ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखते कितना आता है, आई मल्टीप्लाइड बाई 5 × 8 -6 × 4 -j 3 × 8 -1 × 4 +k 3 × 6 -+1 × 5। सो 5 × 8 40, 40 + 6 × 4 = 24, 64i -3 × 8 24, 24 -4 20 -20j 3 × 6 18, 18 + 5 = 23, 23k। सो अभी मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास आ गया है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अभी मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड दोनों का। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सिंपल सा, जो भी मेरे आई और जे और के कोफिशियंट है उनको सिंपली यूज करके मैं ए क्रॉस बी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ जे स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ के स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा मेरा वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जो कि है मेरा 70.88723। थैंक यू।